रामलाल यादव निरहुआ और पवन सिंह के बीच जितनी भी खटास थी वो लगता है दूर होती नजर आ रही होगा कि आम्रपाली दुबे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील बनाई थी जिसमें उन्होंने पवन सिंह के गाने लहंगा लसलस करता पे वीडियो बनाया था और ये लोगों को बहुत पसंद आया। तभी से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि इन दोनों के बीच जो भी दुश्मनी है लगता है धीरे धीरे उसकी परत धुल रही है। और ये सब कुछ तब सामने आया जब बबू ने तेरे रंग पर गोविंदा और पवन एक साथ डांस करने लगे और उसके बाद स्टेज पर दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह ने भी डांस किया। कहा जा रहा है कि इसी प्रोग्राम के बाद जब ये दोनों सामने मिले तो आपसे जो इनका मनमुटाव था सारा कुछ दूर हो गया। होली के रंग में एक प्यार की जो फुहार पड़ी इन सब के रिलेशन फिर से गुले गुलजार हो गए। साथ ही आपको हम यहाँ ये भी बता देते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कभी पवन सिंह के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन हाँ ये बात और है कि इन दोनों ने आम्रपाली और दिनेश ने अपने इंस्टा पर पवन सिंह को अनफॉलो ज़रूर कर दिया था। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच खटास हो। फिर ये कहा गया कि खेसारी के साथ आम्रपाली के फिल्म करना पवन सिंह को नागवार गुजरा। खैर चाहे जो भी हो रहा हो मैटर, हम आपको यहाँ ये बता दें फिलहाल इन दोनों के बीच मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी भोजपुरी में विवाद सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है। वैसे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन सामने आने पर गले मिलते हैं। भैया बाबू कह के सारे गिले शिकवे उसी वक्त ख़त्म कर लेते हैं। बात और है कि फिर पीठ पीछे जाकर साजिशें वैसे ही बदस्तूर जारी हो जाती है। खैर हमें क्या है, ये देखकर ये तो अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब लोग ये समझ चुके हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।